हम थोड़ी देर बाद ये जो हमने वाटी में चने का आटा लिया था उसे हम पीसे हुए पीनट्स में मिला देंगे और उसके साथ क्या क्या डालना है वो भी आपका आगे जानकारी मिलते रहेगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहे। जैसे कि थोड़ा सा हल्दी, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना है, ज़्यादा नहीं, हमने 1.5 चम्मच ज़्यादा हमने यूज़ करने वाले हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी उसमें हम मिक्सचर कर देंगे। और थोड़ी देर बाद जो हमारा जिसके ऊपर हमारा वीडियो है, धनिया मतलब कोथिंबीर वड़ी, तो उसका धनिया हम इसमें डाल देंगे। और गाइस, सबसे पहली बात, हमने धनिया को भिगो के रखना है काट के, ताकि जितनी भी मिट्टी थी वो पूरी की पूरी नीचे बैठ जाए और साफ धनिया ऊपर आ जाए। धनिया हमने ज़्यादा 2 वाटी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, 2 वाटी ही धनिया हमने यूज़ करने वाले हैं आज के वीडियो में। ज़्यादा लोग खाना नहीं है इसलिए आपके ऊपर है गाइस, आप कितना यूज़ करते हो धनिया लेते हो। अभी इसके अंदर हम पानी मिला कर उसका हम प्रॉपरली पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि पानी टाइप पेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं। ओके, सो ध्यान से वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो ये आपको आगे की रेसिपी पता चलेगी। अभी आप देख सकते हो, अभी इसको हम प्रॉपर अच्छे तरीके से घोल के रेडी करेंगे। जैसे कि गाइस, ये जो हमारा पेस्ट है नॉर्मल पतला, ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल पतला ही करना है। हमें कढ़ाई लेके उसको धीमी आंच पे रख के उसके अंदर ही कढ़ाई में हमारा जो पेस्ट हमने रेडी किया था कोथिंबीर वड़ी के लिए स्पेशली, वही हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। और गैस को धीमी आंच के बाद में बढ़ा देना है स्लो स्लो, और उसे अच्छी तरीके से मिलावट करते रहना है ताकि वो गाढ़ा एक आटे जैसा बन जाए। आटे जैसा नहीं कह सकते, गाढ़ा अच्छी तरीके से रेडी हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था कैसा हिलाना है, प्रॉपरली उसको मिक्सर करना है। देख सकते हो प्रॉपर गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे और जितना भी हमने मिश्रण तैयार किया था कोथिंबीर वड़ी का वो हम एक प्लेट में उतार लेंगे। जो हमारा पेस्ट रेडी हुआ उसे गर्मा गर्म पेस्ट है गाइस, तो इसको अच्छी तरीके से एक प्लेट में फैलाना है। बड़ा प्लेट लो या छोटा प्लेट लो आपके ऊपर है, बड़ा प्लेट लोगे तो एक ही बारी में काम हो जाएगा, छोटा प्लेट लोगे 2-3 बारी में काम होगा। ओके, तो ये प्रॉपरली इसको अच्छी तरीके से फैलाना है। जैसे कि थाली में हमने प्रॉपरली निकाल लिया है, अभी इसको हम थोड़े देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसीजर करते हैं।
गाइस ठंडा हो चुका है, अभी हम इसको कटिंग के लिए लेंगे। तो कटिंग्स हम नॉर्मली ढोकला का जैसा कटिंग करते हैं ढोकला के लिए वैसे ही कटिंग करना है, या फिर अब गुड़ पापड़ी के लिए जो कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करना है, और उसको प्रॉपर एक छोटे छोटे भाग में रेडी करना है छोटे छोटे पार्ट्स के लिए, ताकि हम तल सके या फिर उसको रोस्टेड प्रॉपरली कर सके राई। जैसे हमारा आधा रेसिपी अतमीर वड़ी, मतलब जो हमारी वड़ी है वड़ी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको आधे तलेंगे और आधे राई में रेडी करेंगे। तो अभी एक पतीला ले चुके हैं, एक पतीले में 2 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी राई, उसके साथ थोड़ा सा तल भी डालेंगे। अभी हम जो हमने वड़ी रेडी की थी वो वड़ी इसके अंदर डालेंगे, ओके, और इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे। देख रहे हो अच्छी तरीके से पक रहा है, और उसी तरह हम बाजू वाले गैस पे ही हम तलने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम तलने के लिए। सेम एक कढ़ाई लेना है और उसके अंदर हमें तलने के लिए कोथिंबीर वड़ी तलने के लिए तेल लेना है, ओके। तेल तब तक रखना है जब गर्म हो, और आप देख सकते हो गाइस हमारा रोस्टेड रेडी हो रहा है और ये तेल भी गर्म हो रहा है। ऑब्वियसली तेल तो गर्म हो चुका है, और अभी हम आगे की प्रोसीजर तैयार करेंगे, उसको अच्छी तरीके से तलेंगे। ओ भाई साहब, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, आप भी घर में तैयार कीजिए ऐसी कोथिंबीर वड़ी, जैसे कि अभी आपके देखते ही आपके मुंह में पानी आता होगा, बस सिर्फ बहुत डिलीशियस बन रहा है गाइस। और मेरे सामने तल रहा है, एक गैस पे हमने रखा है तलने के लिए, एक गैस पर रखा है रोस्टेड करने के लिए, ये कम ऑयल में रेडी किया है, ज़्यादा हमने तला नहीं है, और दूसरे गैस पे तल रहा है। मतलब आप जिसके घर पे कोई तेल वाला खाना नहीं खाता हो, तो फिर हम कम ऑयल का इसमें ये बना सकते हैं, और जो तेल वाला खाता हो जैसे हमारे जैसे ज़्यादा फूडी इंसान हो तो फिर ये ऐसे खा सकता है। डोंट वरी, आराम से आप ये घर पर कर सकते हो। और ये हमारी कोथिंबीर वड़ी तल के रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको सर्व करेंगे और आपको साथ साथ में रोस्टेड वाली भी दिखाएंगे। तो चलिए, ये देख सकते हो गाइस, रोस्टेड वड़ी इज ऑल्सो रेडी, और साथ में तली हुई कोथिंबीर वड़ी भी रेडी है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बाजू वाला बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और नए नए वीडियोस भी अच्छे से देखते रहे। थैंक यू।